अपना करियर बनाना, रिपोर्टर, राइटर या फिर एडिटर बनना, तो आज ही संपर्क करें आज है रम झाझर में। खबर है राजनांदगांव जिले के सालेवारा का। यूं तो 9 अगस्त को अंचल में हलषष्ठी व्रत के कारण गांव-गांव में त्योहार मनाया गया, लेकिन राजनांदगांव के सरायपतेरा में विश्व आदिवासी दिवस भी धूमधाम से मनाया गया, जिसमें खैरागढ़ विधानसभा के विधायक राजा माननी देवव्रत सिंह जी, जिसमें ममता राजेश पाल का भी आगमन होना है। इसी कड़ी में आज सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरा सावन माह निराश रहे, किसानों को बारिश ने लहलहा दिया। वहीं भादो की षष्ठी तिथि यानी हलषष्ठी माता की भरपूर मेहरबानी सालेवारा अंचल में देखने को मिले। आज सुबह से ही बारिश पूरे शबाब पर है और बादल जमकर बरस रहे हैं। खूब बारिश आज सुबह से ही इस क्षेत्र में हो रही है, जिससे आज त्योहारों में बारिश का बड़ा त्योहार हो गया है। अंचल में उपरोक्त हलषष्ठी के बीच मुख्य त्योहार संतानवती माताओं का हलछठ के व्रत के प्रति इस क्षेत्र की माताओं ने जबरदस्त उत्साह व उमंग के साथ मनाया। सुबह से ही हो रही मूसलाधार बारिश के बावजूद पुलिस थाना चौक वार्ड नंबर 16 में महिलाओं ने एकत्र होकर एक निश्चित स्थान में छाता लगाकर पूजा पाठ व आरती कर अपनी अपनी संतान के उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु, जीवन व उनके उन्नत जीवन की उपवास रख कर कामना की। सुबह से ही पूजा की तैयारियां जोरों पर थी। सगरी की खुदाई, जंगल से बेर की डाली, परसा पेड़ की डाली, दोना पत्तल लाई, महुआ, भैंस का दूध, दही, घी, गोबर, शिव पार्वती की मूर्ति, गौरी गणेश, पसहर का चावल व अन्य सामग्रियां एक दूसरे के सहयोग से जुटाने में बरसते पानी में व्यस्त रहीं। इसके साथ ही 4 बजे लगभग सामूहिक पूजा कर अपना उपवास पसहर के चावल व मिश्रित भाजी, भैंस का दूध, दही आदि ग्रहण कर पूर्ण किया। इस कठिन परीक्षा के बीच वार्ड नंबर 16 की महिलाओं ने कई पंडितों को पूजा करवाने फोन भी किया, लेकिन सारे पंडित आज व्यस्त मिले। तब मजबूर होकर उन्होंने अपने बीच मौजूद हिमांशु शुक्ला, दादू चक्रवर्ती, शनि शुक्ला, पिंकी चक्रवर्ती से अनुनय विनय कर कथा पढ़ने व आरती करवाने आग्रह किया। ये छोटे छोटे बच्चों ने पंडित न मिलने पर कथा आरती कराई। इस अवसर पर पुलिस थाना चौकी की महिलाओं में मुख्य रूप से श्रीमती मंगली बाई, श्रीमती जानवी चक्रवर्ती, उषा शुक्ला व अन्य महिलाओं ने व्रत रख पूजा पाठ कर अपनी संतानों के लिए उत्तम जीवन की कामना की। सबसे बड़ा त्योहार तो अंचल में बारिश का हो गया, जिसने किसानों के चेहरे पर जबरदस्त खुशियां बिखेर दी है। राजनांदगांव के सालेवारा से पारसमणि भारती की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।